अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर उस्मान है और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में सबको वेलकम करता हूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऑन कर लें ताकि मजीद लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तो आज मैं आपको जो एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है फिल्मोरा और उसमें क्या आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक मिक्सिंग के रिलेटेड है। अगर आप यूट्यूब पे काम करते हैं या उसके अलावा आपकी तस्वीरों को वीडियो के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपनी वीडियो को अच्छा मज़ेदार वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत बेहतर है। तो सबसे पहले आपने जो है ना ये फिल्मोरा का है, इसका जो है ना मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने यहाँ से इसको जो है ना वो डाउनलोड करना है। फिल्मोरा मैंने वैसे इंस्टॉल किया हुआ लेकिन आपकी बेहतरी के लिए मैं आपको जो है ना दोबारा इंस्टॉल कर दूँगा। यहाँ से कुछ एक दो मरतबा क्लिक करेंगे तो ये जो है ये फिल्मोरा की जो है ना यहाँ से फाइल जो है ना आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ से आपने फिल्मोरा को जो है ना इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिल्मोरा आपको दबा देता हूँ और उसके बाद आपको जो इसका इंस्टॉल का तरीकेकार बता दूंगा। फिल्मोरा में आप जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे वगैरह इसके जो टाइटल है आप अपने स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप ये फाइल को फोल्डर वगैरह इसका कैमरा चलाना चाहें तो वो भी चल जाता है। यहाँ पर इंस्टाग्राम यहाँ के लिए वेब कैम की रिकॉर्डिंग करना चाहें आप, वो या पीसी रिकॉर्डिंग करना चाहें आप, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता है। टाइम लेगा उसके बाद आपकी जो स्क्रीन शूट है जिससे आप स्क्रीन शूट भी कर सकते हैं। तो ये अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो लगी हुई है। F9 से जो है आपकी इसकी स्टॉप हो जाएगी, F9 आगे लिखा हुआ ये जो है ना ये आ चुकी है। ठीक है ना, आपकी जो आपने स्क्रीन शूट की थी तो ये अब जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपने स्क्रीन शूट की हुई है उसका जो रिकॉर्डिंग है ये। इसके बाद आप इसकी जो टाइटल वगैरह लगाना चाहें तो ये देखिए इसको आपने यहाँ पे रख लेना या इसमें आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख भी सकते हैं। और इसमें जो है वो ये देखिए इसके जो कलर वगैरह आप सेटिंग करना चाहें तो कलर वगैरह की सेटिंग भी पड़ी हुई है इसमें। और इसके अलावा इसमें अगर और काफ़ी इफेक्ट वगैरह हैं जिनका मैं बताऊंगा कि आपने कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये टाइटल के स्टाइल जैसे आप जिस हिसाब से आप टाइटल लगाना चाहें अपना वीडियो पे लगा सकते हैं यहाँ से डाउनलोड जो यहाँ से आप इनको जो है ना न्यू अगर करना चाहें तो ये अगर ऑनलाइन रहता है आपका सिस्टम तो न्यू भी हो जाते हैं यहाँ से। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है फिल्मोरा पर इंस्टॉल कैसे करना है और इसमें ये देखिए जितने स्टाइल से आप वीडियो चलाना चाहें उसमें वीडियो चला सकते हैं। आप ये ट्रेन यूज करना है यहाँ पे जितनी जो वीडियो जिस हिसाब से लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें फाइल जो है सेव इसमें अगर आप यूट्यूब पे यहाँ से वीडियो सेंड करना है यहाँ से टाइटल आप सेव करना चाहें तो फाइलें आप क्या करना चाहते हैं और MP4 AVI M
फाइल है, एफएल एम के भी 3GB सभी फाइलें हैं, आपके 3 GB यहाँ पर है। और अगर आप फिजिकल रिलेटेड आ जाएँ तो अगर DVD राइट करना चाहें तो यहाँ से DVD भी राइट कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट फेसबुक पर भी आप अपलोड कर सकते हैं। और पे करना चाहते हैं वीवो पे तो यहाँ से और इसके अलावा म्यूज़िक वगैरह की कैटेगरी है, अगर आप म्यूज़िक वगैरह you want. Let's have a bit of fun till I downfall. We're good, my love. Yeah, if you feel like I do right now, don't sit around on to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason. आप कॉन्टैक्ट नॉट ये कुछ ना कुछ दिनों के बाद व्यू जो आते रहते हैं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका तरीकेकार है, ये तीर का निशान देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग जो ऑनलाइन वो कॉन्टैक्ट होगा आपको जो है ना वो देखिए। इसके बाद बताऊँगा आपको सुना सकते हैं ये नए आए हुए हैं कुछ इफेक्ट तो मैंने इसको बाद में डाउनलोड करूंगा। इसमें TXT की जो कैटेगरी है ये देखें, ये आए दिन जो है ना कोई आते रहते हैं इसमें, जो आपको इसमें अच्छा लगे अंदाज आप उसी हिसाब से जो है ना वो अपना टाइटल बना सकते हैं। ये देखें जिनके ऊपर यहाँ पे तीर का निशान होगा उसका वो डाउनलोडिंग करने पड़ेंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए इसमें और इफेक्ट वगैरह मैंने कुछ इफेक्ट इसके जाती मौजूद होते हैं, कुछ आपको जो है ना वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, उनका तरीक़ेकार भी मैं बताऊँगा आपने। ये देखिए अपनी वीडियो को जो है ना नई कैटेगरी करने के लिए आपने यहाँ से उठाना है बस, इसको जहाँ दिल है आपने वो लगा लेना वीडियो के नीचे। तो वीडियो को जो है ना फैक्ट ये वो किस तरीके से करने वो बताता हूँ। यहाँ से कट किया मैंने वीडियो को तो इसमें जो है ना फैक्ट की तरफ चलता हूँ ट्रांसलेट के लिए। यहाँ से इसके अंदर आप इसको ऐसे भी सैर कर सकते हैं। और ये देखिए इसके सैर तरीके का ये भी है, ये देखिए आपका जो इफेक्ट है वो इस हिसाब से काम कर रही है। अपनी वीडियो को इस तरीके से आप खूबसूरत भी कर सकते हैं आप, और इसमें जो है ना वो कलर की जो सेटिंग करना चाहें आपकी, ये देखिए यहाँ से कलर को जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस हिसाब से आप कलर रखना चाहें अपनी वीडियो को या उस हिसाब से कर सकते हैं, 3D करना चाहें यहाँ से ओके करेंगे तो ये उसी कलर से जाएगी जो कलर का आपने इस पर फिल्टर यूज़ किया। इधर से देख तो ये वीडियो फिल्टर होते हैं, ये वीडियो फिल्टर को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये आग फायर वाला है, मैं इसको डाउनलोडिंग पर लगाता हूँ बल्कि बाद में करूँगा आपको बताता हूँ। वीडियो फिल्टर को आपने ये देखा ये वीडियो फिल्टर का जो आगे आप कर सकते हैं अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए, ये आपको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इससे आप जो अपनी वीडियो का जो है ना वो स्टाइलिश बना सकते हैं आप। यहाँ से मीडिया का जो ऑप्शन है तो ये देखिए ये कलर पड़े हुए हैं इसमें, आप इसमें कलरों को भी यूज़ कर सकते हैं टाइटल के लिए अपने। ये देखिए कलरों को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें सभी कलर हैं। ये देखिए ये
और आपके जो स्टार्टिंग के लिए काउंटडाउन है तो आप ये मुख्तलिफ कैटेगरियों में आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके नीचे अगर आप टाइटल लगाना चाहें तो साथ में अपना टाइटल भी लगा सकते हैं। जहाँ आप सिलेक्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक अगर साथ में ऐड करना चाहें तो अगर म्यूज़िक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपना, जो है ना ये देखें कंप्यूटर के अंदर जहाँ म्यूज़िक पड़ा है आप वहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं। यहाँ से ये देखें यहाँ पे इसको आप जो म्यूज़िक इसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डबल म्यूज़िक ऐड हो सकता है आपका, ठीक है। आपके पास जितनी वीडियो है आप उसी हिसाब से म्यूज़िक इसका जो है ना वो लगा सकते हैं आप। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये सिलेक्ट यहाँ से कर दिया मैंने, म्यूज़िक को जो सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं आप, ये म्यूज़िक जो इसका म्यूज़िक की कैटेगरी को आप करना चाहते हैं, जो म्यूज़िक की कैटेगरी आप जिस हिसाब से अपने म्यूज़िक को रखना चाहते हैं उसी हिसाब से ये आपका म्यूज़िक हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसके बारे में मैंने बताया आपको, ये देखिए अगर आप तस्वीरों के साथ जो है ना बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगी कि मैंने फ़िल्टर कौन से यूज़ किए हैं या कौन से नहीं, तो आपने इन फिल्टरों को यहाँ पे लगाना है, आपको यह मौजूद पता चल जाएगा कि आपने कौन सी कटिंग की हुई है कौन सी नहीं। तो ये फ़िल्टर आपके यहाँ पे मौजूद आ जाएंगे, तो इसका दूसरा स्टाइल है। अब हम बात करेंगे कि आप फिल्मोरा को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसका तरीके तो यहाँ से आप इसको जो फाइल है वो यहाँ से जो आप मैं इसकी वो फाइल MKV फाइल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपने वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ आप रखना चाहते हैं स्टॉप पे, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ से स्टोर कर दूँगा। तो ये कुछ चंद टाइम लेगा, कुछ सेकंड कुछ मिनट लेगा, तो ये देखेंगे जो आपने जिस जैसे आपने वीडियो को जो है ना वो अपने को कैटेगरी बनाई है उसको जिस हिसाब से आपने सेटिंग की है उस हिसाब से ये सेव हो जाएगा। अभी मैंने इस वीडियो पे जो है ना मेहनत नहीं की, लेकिन मैं सिर्फ तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो आप इसे इस हिसाब से जो है ना सेव कर सकते हैं। अब मैं बताऊँगा कि आप फिल्मोरा को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसका जो आसानी से बता दूं आपको तरीक़ेकार। फिल्मोरा को मैंने जो है ना ये देखिए ये डाउनलोड किया, अपने जो एंटीवायरस प्रोग्राम है उसको जो आपने वो है वो डिसेबल कर लेना, तो मैंने एक घंटे के लिए यहाँ से डिसेबल किया, तो यहाँ से इस फिल्मोरा को जो है ना वो मैं जो डाउनलोड हुई है फाइल उसको जो उससे बाहर निकाल लूँगा, तो ये देखिए ये आ चुकी है। तो यहाँ से फिल्मोरा को जो है वो मैं ये यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। वैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ आपको सिखाने के लिए, आपको बता दूँ कि आपने कैसे इंस्टॉल करना। तो मेरा तो इंस्टॉल हुआ, लेकिन पहले रिमूव होगा फिर उसके बाद इंस्टॉल होगा ये। यहां से आपने नेक्स्ट करना है इसको, नेक्स्ट यस। कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको आपने रजिस्टर्ड कैसे करना है इसका ये जो पड़ा हुआ है इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे इसकी ये की भी पड़ी हुई है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। Right.
इंस्टॉल हो चुका है दोबारा, तो यहाँ से इस लॉन्चर करते हैं हम। तो आपको रजिस्टर्ड का तरीक़ेकार बता दूंगा मैं, अगर रजिस्टर्ड दोबारा मांगा इसने, अगर नहीं मांगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किस तरीके से इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मुझे से इसने जो है ना रजिस्टर्ड का अभी तक तो नहीं मांगा, दिखाता हूँ ये देखिए। ये जो है ईमेल पड़ी हुई है, ये इसकी आईडी है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर के साथ ये देखें, ये ईमेल है, यहाँ से आपने ईमेल को कॉपी करना है और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये 4-6E4 ये वो ऊपर वाली आपने इसको कॉपी करनी है और यहाँ से पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप रजिस्टर कर लेंगे। और एक और बात बता दूं, यहाँ से आप जो है ना अपने माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से माइक सेलेक्ट करके आप अपने माइक की जो रिकॉर्डिंग है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा माइक इस वक्त मसरूफ है, तो आप यहाँ से माइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग आ चुकी है माइक की। अपने जो माइक का जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ज़रिए, और वीडियो का बताया मैंने आप इसमें, और मोबाइल का अपने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कैमरा और इसमें वेबकैम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वेबकैम की भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो ये इसी के अंदर आएगी आपकी जो है। तो ये फिल्मोरा का जो मैसेज आते हैं उनमें आपको नए नए दिखाते हैं। ये ट्यूटोरियल पहला, अगर आपसे रजिस्टर्ड जो की है वो इसकी इसके अंदर होगी। एक और फाइल बता दूँ, इस फाइल को जो है ना वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, पहले इसको इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ से सीरियल की दे देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑन कर लें, और साथ ही इसका जो है ना वो यहाँ से वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दबाव में याद रखें कि नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।